Hi students, good morning. Happy Janmashtami to all. This is KD sir from Shivam Education. Last time we did exercise 8.1 of trigonometry, right? And I hope you might have practiced and watched the video also. Pasand aaye to share karna so that number of students ko benefit mile. Aaj hum 8.2 exercise 8.2 karne wale hain. To iske pehle hum logo ne इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो अलग बनाया हुआ है. यू कैन वॉच द केडी शिवम चैनल, राइट? तो टेबल के ट्रिक्स बताए हुए हैं, किस तरह टेबल आप याद रख सकते हैं, किस तरह हर एक डिग्री याद रख सकते हैं, ये चीज़ बताया हुआ है. एंड वी ऑल्सो इंट्रोड्यूस एवरीथिंग, राइट? उसके टोटल 3 वीडियोज बनाए हैं, तो ज़रा देख लीजिए. ओके, लेट्स डू एक्सरसाइज 8.2. क्वेश्चन नंबर 1. Evaluate the following. First, sine 60. Sine 60 क्या आएगा? Root 3 upon 2. Cos 30, root 3 upon 2. Sine 30, 1 upon 2. Cos 60, 1 upon 2. Right? ये हमेशा याद रखना, ये sine 30 अगर 1 upon 2 होगा तो cos 60 उसका opposite हमेशा 1 upon 2 होगा. बस इतना याद रखना है, क्योंकि ये दोनों complementary हैं. Right? तो ये देखिए, 3 upon 4 plus 1 upon 4 क्या हो जाएगा? 4 upon 4 is equal to 1. Easy है ना, right? वैसे ये करते हैं. tan square 45, tan 45 मतलब 1. ये हमेशा याद रखना, इसके आने वाले चैप्टर में भी ज्यादातर tan 45 आएगा. तो tan 45 सबसे पहले यूज करना है. tan 45 का मतलब 1. तो 2 into 1 का स्क्वायर. cos 30 क्या बोला था? cos 30 root 3 upon 2 होल स्क्वायर. और साइन 60 क्या होगा? रूट 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर, राइट? अब ये देखिए, रूट 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर, रूट 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर, ये ऑलरेडी ऐसे ही कट हो जाएगा, राइट? 2 3 अपॉन 4 3 अपॉन 4. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा. दैट इज आंसर इज, आई होप यू अंडरस्टूड. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम. नाउ लेट्स डू नेक्स्ट सम. cos 45, cos 45 क्या आएगा? 1 upon root 2. sec 30, 2 upon root 3. ये आएगा 2, राइट? इसके नीचे 1 रखो, समझ लो. अब इसका एलसीएम ले लेते हैं. 1 upon root 2, this will give 2 plus 2 root 3, राइट? That is 2 plus 2 और ये ऊपर चला जाएगा root 3. क्यों? एलसीएम लिया तो जो डिनोमिनेटर नीचे आएगा वो ऊपर चला जाएगा. नाउ डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं आना चाहिए, राइट? तो हमको अभी क्या करना है? इसका अभी हमको रूट को एलिमिनेट करना है. पहले तो 2 कॉमन ले लेते हैं, राइट? रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 1 प्लस रूट 3. अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रूट 2 और 1 प्लस रूट 3 से. रूट 2 1 प्लस 1 माइनस रूट 3, राइट? तो यहां भी रूट 2 1 माइनस रूट 3. अब देखिए, रूट 2 रूट 3 रूट 6 हो जाएगा, 1 माइनस रूट 3. अब ये हो जाएगा रूट 2 रूट 2 2, मतलब ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3. 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा? माइनस 2. दैट इज रूट 6 1 माइनस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा? माइनस 8. अब मुझे अगर ये माइनस कॉमन निकालना है तो क्या हो जाएगा? रूट 6 रूट 3 माइनस 1 अपॉन 8. क्या किया मैंने? माइनस को अंदर कॉमन निकाल दिया, तो ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, या तो फिर माइनस को आप अंदर इलिमिनेट कर सकते हैं. दिस विल बी, तो ये अगर आप ये चेंज कर देते हैं तो ये माइनस चला जाएगा. ओके, तो ये 8 आ गया. अब रूट 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल गिव रूट 3 रूट 6 क्या हो जाएगा? रूट 18 माइनस रूट 6 अपॉन 8. 18 मतलब 9, तो 9 मतलब 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन 8. शांति से करना सम, राइट? आपको आराम से आंसर आएगा. जस्ट डू इट. ओके, किस तरह क्या किया देख लीजिए. ओके, डू इट योरसेल्फ, एक बार प्रैक्टिस करो पॉज करके. चलो नेक्स्ट सम. साइन 30 टेन 45 कॉस 60 सेक 30 कॉस 60 और कॉट 45. साइन 30, साइन 30 क्या था? 1 अपॉन 2. टेन 45 क्या बोला था? 1. देखिए ये 1 कैसे लिखने का, नीचे ये जो है डिनोमिनेटर का प्लेस रखने का. माइनस कॉस एक्स 60, देखिए कॉस एक्स 30 का 2 अपॉन रूट 3, तो कॉस एक्स 60 का 2 अपॉन रूट 3 आएगा, राइट? ये हो गया.
यहाँ पे sec 30 है तो ये आएगा 2 अपॉन रूट 3, cos 60 1 अपॉन 2, सेम ऊपर का नीचे सेम आ रहा है, देखिए cot 45 कितना है 1, राइट। चलो LCM लेते हैं, LCM लेंगे तो 2 रूट 3 LCM है, दिस विल गिव 2 रूट 3, मतलब यहाँ पे आएगा रूट 3, यहाँ पे आएगा 2 रूट 3 और यहाँ आएगा 2 टू सा 4, राइट, दिस इज द थिंग अपॉन, यहाँ भी वैसे ही आएगा, यहाँ क्या आएगा 4 और ये आएगा रूट 3 और ये आएगा 2 रूट 3, ओके। अब ये अगर आप सॉल्व करते हैं इसको तो क्या हो जाएगा, रूट 3 2 रूट 3, 3 रूट 3 माइनस 4 और नीचे 3 रूट 3 प्लस 4, राइट। अब मैंने जैसा बोला रूट 3 नीचे नहीं होना चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 रूट 3 माइनस 4, राइट, दिस विल गिव ऊपर क्या आ जाएगा 3 रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, आराम से करना, इस माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज 9 3, राइट, क्योंकि इसका स्क्वायर हुआ, ओके, और इसका 2 3 रूट 3 और ये 4, राइट, और ये आ जाएगा प्लस 16, नीचे देखो 3 9 3 दा 27 16, ओके, चलो 27 2 3 दा 6 4 दा 24 रूट 3 और प्लस 16, दिस विल गिव 27 माइनस 16 कितना आएगा 11, ओके, राइट, तो दिस इज योर, कुछ सॉल्व होता है, यस 27 और 16 सॉल्व होता है ना, चलो 27 प्लस 16 3 1 मतलब 43 प्लस माइनस 24 रूट 3 अपॉन 11, ये आपका आंसर, ओके, शांति से करो कैलकुलेशन तो आंसर आ जाएगा। लेट्स गो टू दी नेक्स्ट सम, लास्ट सम ऑफ दिस क्वेश्चन, 5 cos square 60 4 sec square 30 माइनस 10 square 45 sin square 30 अपॉन cos square 30, पहला वाला cos square 60, 5 cos 60 क्या है 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, राइट, sec 30 4 2 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर, राइट, tan 45 1 का स्क्वायर, sin 30 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, cos 30 रूट 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, राइट, लेट्स सी नाउ 5, ये 5 अपॉन 4 होगा, राइट, ये क्या होगा बताइए, प्लस 4 4 का 16 16 अपॉन 3 होगा और ये होगा माइनस 1, नीचे 1 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4, यहां ध्यान से शांति से करना क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, राइट, तो यहां देखिए अभी नेक्स्ट इसका ऊपर एलसीएम क्या होगा 12, तो यहां पे 4 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 15, फिर यहां पे 4 नहीं है तो 16 4 था 64 और यहां 12 पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 12 एलसीएम, राइट, यहां पे तो एलसीएम 4 है सेम है तो 1 प्लस 3 अपॉन 4 दैट इज 4 4 कट हो जाएगा दैट विल गिव 1, राइट, तो ये तो सॉल्व हो गया कट हो गया, अब ये क्या हो जाएगा 15 प्लस 64 माइनस 12 9 79 माइनस 12 अपॉन 12 ये दोनों मिलके कट हो जाएगा, राइट, अच्छा नीचे डिनोमिनेटर में ये बन जाएगा 9 में से 2 गया तो 7 7 में से 1 गया तो 6 अपॉन 12, दिस इज दी आंसर, ओके, गेटिंग ऑल ऑफ देम, ये वाला समझ पड़ा आपको, प्रैक्टिस करना तो आप समझ पड़ेगा आपको, एलसीएम सेम था तो 1 प्लस 3 4 4 अपॉन 4 कट हो जाएगा 1, कोई वैल्यू नहीं रहा डिनोमिनेटर, ये 12 नीचे उतर जाएगा, ओके, लेट्स गो टू दी क्वेश्चन नंबर 2, सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, राइट, आपको सिर्फ वैल्यू डालना है, ये सम एक्चुअली जैसे सम करते वैसे ही सम करो, अपने आप आंसर आ जाएगा, राइट, लेट्स सी 2 tan 30 है 1 अपॉन रूट 3 1 प्लस tan square 30 मतलब
वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर, राइट। ये क्या हो जाएगा, टू अपॉन रूट थ्री अपॉन, ये हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन थ्री। इसको सॉल्व करते हैं, चलो टू अपॉन ये रूट थ्री को नीचे ले जाओ, राइट, और ये एलसीएम ले लो, दैट इज थ्री प्लस वन अपॉन थ्री, ये थ्री कहाँ चला जाएगा, ऊपर, राइट। दिस विल गिव टू इंटू थ्री अपॉन थ्री प्लस वन फोर, रूट थ्री इंटू फोर, टू टू ज़ा फोर, और ये रूट थ्री है, यहाँ पर दो रूट थ्री होता है, तो ये अगर कट होगा तो दिस विल रिमेन रूट थ्री, दिस विल गिव रूट थ्री अपॉन टू, रूट थ्री अपॉन टू। नाउ रूट थ्री अपॉन टू किसका वैल्यू, जरा देख लीजिए नीचे, साइन थर्टी वन अपॉन टू है, तो साइन सिक्सटी क्या होगा, रूट थ्री अपॉन टू, दैट इज इक्वल टू साइन सिक्सटी, राइट। तो ये होगा आपका आंसर, अंडरस्टूड, दिस वे यू टू सॉल्व, ओके। नाउ नेक्स्ट सम, वन माइनस टेन स्क्वायर फोर्टी फाइव, वन प्लस टेन स्क्वायर फोर्टी फाइव, ये वन का वन स्क्वायर हो गया, वन प्लस वन का स्क्वायर, ऊपर वन माइनस वन मतलब जीरो हो गया, जीरो के नीचे कुछ भी होगा तो क्या होगा, जीरो, तो ये क्या होगा, जीरो, दिस इज द डी इज इक्वल टू आंसर, राइट। ये आपका फर्स्ट है। नेक्स्ट है साइन टू ए इज इक्वल टू टू साइन ए। अब देखिए आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो, थर्टी डालेंगे तो टू थर्टी सिक्सटी हो जाएगा, साइन सिक्सटी और साइन थर्टी दोनों का वैल्यू अलग अलग आएगा, इसलिए आप सिर्फ जीरो डाल के देखिए, साइन टू जीरो इज इक्वल टू टू साइन जीरो, राइट। तो अगर ये टू से जीरो मल्टीप्लाई करो या जीरो से टू मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल, जीरो इज इक्वल टू जीरो, दैट इज कौन सा वाला है, फर्स्ट ए, राइट। सो दिस वे योर सम कैन बी सॉल्व, ओके। लास्ट सम बाकी है क्वेश्चन में, लेट्स डू दैट। नाउ क्वेश्चन नंबर टू का फोर्थ सम, टू टेन थर्टी अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थर्टी, ये वन के ऑपोजिट में है, देखो सेम है लेकिन यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस है, टू वन अपॉन रूट थ्री, राइट, वन माइनस वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर, ओके। नाउ यहाँ पे कुछ फर्क पड़ने वाला है, रूट थ्री को यहाँ नीचे लेके आ जाइए, ये बन जाएगा थ्री माइनस वन अपॉन थ्री, राइट, दिस विल गिव टू रूट टू इंटू थ्री अपॉन रूट थ्री इंटू टू, राइट। आप देखिए टू टू कट हो जाएगा, राइट, और यहाँ पे बन जाएगा ये रूट थ्री, रूट थ्री किसका है का वैल्यू बताइए, ये इज इक्वल टू कौन सा है, ये साइन सिक्सटी साइन थर्टी ये सब आएंगे नहीं क्योंकि रूट थ्री अपॉन टू, एक ही बचा है जो है टेन सिक्सटी, दैट इज टेन सिक्सटी, ओके, राइट। तो दिस इज योर आंसर, आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर थ्री। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, इफ टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट थ्री एंड टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री, फॉर द कंडीशन ए प्लस बी इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन इक्वल टू नाइनटी, ए इज ग्रेटर देन बी, दिस इज अनदर कंडीशन, फाइंड ए एंड बी। लेट अस स्टार्ट, टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट थ्री। अच्छा, टेन में रूट थ्री कब आता है बताइए, टेन सिक्सटी, बराबर है, ओके। अब ये टेन टेन कट हो जाएगा, दैट इज ए प्लस बी इज इक्वल टू सिक्सटी, इक्वेशन नंबर वन। सिमिलरली राइट, टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री, राइट, गिवन। तो टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थर्टी, राइट। तो क्या हो जाएगा, टेन टेन कट, ए माइनस बी इज इक्वल टू थर्टी, इक्वेशन नंबर टू। बस अब एलिमिनेशन मेथड, राइट, कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, राइट। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू सिक्सटी, ए माइनस बी इज इक्वल टू थर्टी, कट हो गया, टू ए इज इक्वल टू नाइनटी, ए इज इक्वल टू फोर्टी फाइव, ए इज इक्वल टू फोर्टी फाइव, राइट। अब ए इज इक्वल टू फोर्टी फाइव आया है, तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, बी लेना है, राइट, चलो देख लेते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू सिक्सटी है, ए प्लस
b is equal to 60. Putting the value in above equation, in equation 1, right? So that is a 45 plus b is equal to 60. So b is equal to kya ho jayega? 60 minus 45. So b is equal to 15, right? So a is equal to 45, b is equal to 15. Aapko answer likh dene ka. Okay, I hope you understood. Elimination method karna hai, easy hai. Okay, next. Okay, question number 4. State whether the following are true or false. Justify your answer. Sin a plus b is equal to sin a plus b. अब देखिए, let a is equal to 30 ले लेते हैं and b is equal to 60 ले लेते हैं, right? तो अब क्या होगा, sin 30 plus 60, that is sin 90 और is equal to 1, right? अब यही चीज हम लोग sin a plus b लेते लेते हैं, this is LHS, right? अब RHS देखो, तो RHS में sin 30 प्लस साइन 60. अब साइन 30 वन अपॉन टू है, साइन 60 कितना है, रूट थ्री अपॉन टू, दैट इज वन प्लस रूट थ्री अपॉन टू विच इज नॉट इक्वल टू वन, राइट? देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. तो क्या हो जाएगा, द स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट? दिस इज द थिंग. तो यहां लिख दीजिए फॉल्स आंसर में, फिर उसके बाद जस्टिफाई करना, राइट? नाउ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीसेस एज थीटा इंक्रीसेस, यस, राइट? फ्रॉम द टेबल द वैल्यू ऑफ साइन इंक्रीसेस फ्रॉम 0 टू 1, राइट? फ्रॉम 0 टू 1, साइन 0 0 है, फिर उसके बाद साइन 30 वन अपॉन टू, फिर उसके बाद साइन 45 वन अपॉन रूट टू, इस तरह इंक्रीज होते जाता है, साइन 90 वन होता है. देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ट्रू, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ट्रू. यहां भी लिख दो ट्रू, राइट? थर्ड वाला द वैल्यू ऑफ कोस थीटा, तो अभी ये साइन थीटा अगर ट्रू होगा तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा, बिकॉज लिखो द वैल्यू ऑफ कॉस cos decreases from, क्योंकि 1 to 0 हो जाता है, वहां से decrease होता है, right? Therefore the statement is false. Okay, तो यहां पे लिख दीजिए false, right? अब sin theta is equal to cos theta for all the values of, नहीं possible लग रहा है आपको, sin 30 cos 30 क्या है, 1 अपॉन 2 है और रूट 3 अपॉन 2, दिट इज नॉट इक्वल टू, राइट? दे आर नॉट इक्वल टू, देयरफॉर इट इज द स्टेटमेंट इज फॉल्स. खाली एक पॉइंट पे दोनों सेम है, कौन सा, साइन 45 कॉस 45, बाकी सब में दे आर डिफरेंट, देयरफॉर इट इज फॉल्स. नेक्स्ट, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए, यस, कॉट 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, therefore the statement is true, is true, right? यहां पे false और यहां पे true. Okay, समझ पड़ा आपको justification? आपको इस तरह एक एक करके सब करके दिखाना है और आप justification देना है. Okay, चलो, I hope we have finished 18.2. so students, please do the practice of these sums, राइट? एक बार पॉज करके हर एक सम को एक बार प्रैक्टिस करो, और अगर कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, अपने सजेशंस लिखो, सो दैट वी कैन इम्प्रूव ऑन आवर वीडियो क्वालिटी एंड आवर सर्विस. ओके, तो प्लीज़ कीप इन टच, हमारे वीडियोस देखते रहना, प्लीज़ वॉच द वीडियो इन फुल. ओके, और बस, बाय टिल द नेक्स्ट एक्सरसाइज, बाय फॉर द डे.